हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कुकिंग चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्जी। आप इसका सामग्री देख सकते हैं, ये है मटर, ये है कटी हुई प्याज, ये है कटा हुआ टमाटर, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये है नमक, ये है राजेश मसाला, ये है गरम मसाला, ये है कटी हुई मशरूम, ये है कटा हुआ डाल देंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे अब इसमें तेल डालेंगे और इसमें हम लोग कटी हुई मिर्च डाल लेंगे, अब इसमें हम लोग कटी हुई प्याज डाल लेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा चला लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा इसको चला लेंगे हम लोग और उसमें हम लोग कटा हुआ टमाटर डालेंगे। थोड़ा हम लोग चला लेंगे, इसको थोड़ा पकने देते हैं हम लोग। अब इसमें कटा हुआ मशरूम डाल देते हैं। ऐसे हम लोग मटर डाल देंगे, थोड़ा चला लेंगे। ऐसे में हम लोग प्याज गलने के लिए थोड़ा नमक डाल देंगे। हम लोग प्याज, अब इसमें हम लोग गरम मसाला डाल देंगे। थोड़ा चला लेंगे, इसको थोड़ा हम लोग पकने दें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पक गया, इसको चला लेंगे हम लोग फिर से। इसमें हम लोग राजेश मसाला डालेंगे, राजेश मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, इसको हम लोग इसमें पानी डालेंगे, हम लोग हल्का पानी डालेंगे, इसको चला लेंगे अच्छे से। लोग देख सकते इस स्टेज पे कुछ ऐसा है जिसका कलर ऐसा रहेगा, और उसको थोड़ा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम लोग की सब्जी पक चुकी है, उसको हम लोग थोड़ा चला लेंगे। इसमें हम लोग पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे, अभी और पानी डालेंगे इसमें हम लोग। इसमें हम लोग नमक डाल चुके थे, तभी इस स्टेज पे हम लोग नमक नहीं डालेंगे। अब इसको ढक लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हम लोग दो सीटी लगा देते हैं। देखिए दोस्तों दो सीटी लग गया, अब इसको हम लोग खोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी हुई है सब्जी, लोग देख सकते हैं मशरूम की सब्जी कितनी अच्छी हुई है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। देखिए हम लोग इसको एक प्लेट सर्व कर लिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको धनिया हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा टॉपिक साथ डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसको आप लोग खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब से फॉलो कीजिए। बाय दोस्तों।